रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के साईखेड़ा में सरपंच के खेत पर मिले पशु आहार के मामले में नया मोड़ आया है, जहां सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीणों ने सचिव हनुमंत रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वही सरपंच माधव सिंह रघुवंशी को काम नहीं करने देने का भी आरोप लगाया गया है। वही सरपंच माधव सिंह रघुवंशी और ग्रामीणों ने सचिव पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच मुझे काम नहीं करने दे रहा है। वही सरपंच के द्वारा गौशाला समिति को विगत 1 जुलाई को चाबी सौंप दी गई है, जबकि पशु आहार मिलने का मामला 5 जुलाई का है। वही दूसरी ओर सरपंच ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव को कैसे मालूम कि मेरे खेत में कहां पशु आहार गड़ा है। इसका मतलब साफ है कि सचिव द्वारा ही पशु आहार को गाड़ा गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सचिव उनको काम नहीं करने देना चाहते, इसलिए बार बार यह विवाद उत्पन्न हो रहा है। वहीं पूनम भाई सफाई कर्मी का कहना है कि सचिव द्वारा मुझे बिना सूचना दिए अकारण निकाल दिया गया, जबकि समिति द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद मुझे निकाला जा सकता था। वहीं सचिव अपनी मनमानी करते हैं। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि मेरे खेत में मुझे ही नहीं पता कि पशु आहार डला है, इनको कैसे पता कि पशु आहार डला, इनने खुद डलवा के इसका वीडियो बनवाया है। और ये सचिव साहब की तानाशाही बहुत पहले से, ये जहां जहां रहे हैं वहां इनकी गुंडागिरी देख लो, तानाशाही, ये उनका मतलब षड्यंत्र मेरे खिलाफ जो रच रहे हैं। पहले से ही इनसे इनकी जांच हुई है ना, इसमें ये अपने क्या बोलते हैं निलंबित, मतलब ये वित्तीय पावर छिन गए इनके, अब ये भी इनको कुछ थोड़ा सा वो लग रहा है, तो उस वजह से और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जी सचिव साहब बहुत परेशान कर रहे हैं हमें, 10 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी है, और हम बोलते हैं तनख्वाह का तो बोलते हैं कि तुमको नौकरी से हटा दिया है। जी सर, और धमकी देते हैं, मारने को भी धमकी देते हैं और गाली भी देते हैं हमें। आपने इसकी शिकायत कहीं की अभी? जी हमने शिकायत की थी 181 पे। सर कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी उसकी कार्रवाई हुई तो बोले के लगे कि आप शिकायत वापस ले लो, हम आपका भुगतान करवा देंगे, पर सभी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। नए सचिव साहब आए तो उन्होंने बोला कि उनकी वो क्या बोलते हैं DST वो बंद करवा दी है सचिव साहब ने, तो वो भुगतान नहीं कर पा रहे। तो 10 महीने से मेरा वेतन नहीं मिला जी, और सचिव साहब से मांगते हैं तो वो बोलते हैं तुम्हें हम नौकरी से भगा दिए। काम करा रहे हैं बराबर? काम करा रहे जी, और ऐसा है कि साहब 5-6 साल से काम कर रहे हैं और आज आपने भगा दिया है। बिना किसी सूचना के हटाया क्या? बस ये बोलते हम तनख्वाह के बोलते तो मैं नौकरी से हटा लिया साहब, ऐसा होता है क्या नौकरी से हटा दिया? एक तो हमारा हक मांग रहा है ऊपर से ऐसा और बोल रहा है। साईखेड़ा में कुछ दिन से देखा जा रहा है सरपंच और जो सचिव साहब हैं, थोड़ा सा ऐसा क्या चल रहा है तो गांव का विकास ही गड़बड़ हो रहा है। सरपंच साहब को मैं बरम्य देखता था, गौशाला में अच्छा काम सब बढ़िया चल रहा था, अभी कुछ दिन से ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सरपंच साहब के जब हैंडओवर था तो बढ़िया काम चल रहा था, अभी सुनने में आया कि उनके ऊपर जो गौ के लिए चरी वगैरह आती है उसमें उनको फंसाया गया, उनके खेत पर रखा गया, ये मैंने सब देखा सुना, तो मेरे को भी अचंभा हुआ कि सरपंच साहब अच्छा काम कर रहे हैं। सरपंच साहब को भी 1 ही साल हुआ है, बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन ये अचानक पता नहीं कौन सी विद्या चल रही है बीच में, सब माहौल एकदम गड़बड़ हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। आपको इसमें सचिव महोदय द्वारा सरपंच को परेशान किया जा रहा है? अब ये तो सर सचिव साहब जाने और सरपंच साहब जाने, दोनों का क्या मेल जोल चल रहा है? सरपंच के पास जाओ तो सरपंच अपना काम कर देता है, सचिव के पास जाओ सचिव का काम कर देता है, लेकिन मेरा तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन बढ़िया है सरपंच महोदय जो भी काम करते थे बढ़िया करते थे ग्राम